नमस्कार, मैं प्रीति पूजा अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे जिमीकंद की सब्जी। इसे सूरन और ओल के नाम से भी जाना जाता है। ये सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है और सबको बहुत पसंद भी आती है। तो इस रेसिपी को लास्ट तक जरूर देख लें ताकि इसे बनाने का सही तरीका आपको भी पता चल जाए। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक यानी कि थम्स अप के बटन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर बिग बास्केट से 2 पैकेट जिमीकंद मंगा लिए हैं। ये 200-200 ग्राम के पैकेट्स हैं। इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये इस तरह से डाइस में कटे हुए हैं। इसकी हेल्प से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। इसे इस बाउल में डाल देते हैं और अब ये जो थोड़े बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े हैं उनको काट लेते हैं ताकि सारे एक साइज़ के हो जाएं। अब इन्हें एक बार धो लेते हैं। और अब मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया है तो इन्हें हम उबाल लेंगे। कुकर में डाल देते हैं। 1 कप पानी डाल देंगे, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक और 1/2 टुकड़ा नींबू भी निचोड़ देंगे। नींबू का रस डालने से इसकी जो खुजली है एकदम ख़त्म हो जाती है। नमक डालने से ये टेस्टी हो जाता है और हल्दी से इसमें बढ़िया कलर आ जाता है। सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेते हैं। ढक्कन बंद करके अब इसे हम हाई फ्लेम पर 1 सीटी लगा देंगे। ऐसा करने से ये थोड़े नरम भी हो जाएंगे और इनकी खुजली भी ख़त्म हो जाएगी। 1 सीटी लग गई है। गैस की फ्लेम को ऑफ करके कुकर का प्रेशर ख़त्म होने देते हैं। कुकर का प्रेशर ख़त्म हो चुका है, ढक्कन खोल लेते हैं। हमारा सूरन उबल कर तैयार हो चुका है। इसे हमें बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना, बस हल्का सा नरम करना है। अब इसे हम पानी में से निकाल लेते हैं। तो मैं इसे इस स्टेनर में निकाल रही हूँ ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब इस पानी की ज़रूरत हमें नहीं है तो इसे फेंक देंगे। अब हम सूरन को ऑयल में फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें हम ऑयल डाल देते हैं। मैं यहाँ पर सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 बड़े चम्मच जितना तेल डाल देते हैं। इसे बनाने के लिए आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, पर सरसों तेल में ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो चुका है, जिमीकंद के पीसेस डाल देते हैं। एक बार कढ़ाई में जितने पीसेस आराम से आ जाए डालकर सिकने देते हैं। डालते वक्त फ्लेम को हाई रखें। इन्हें उलटते पलटते हुए चारों तरफ से लाइट ब्राउन होने तक तल लेंगे। और अब ये चारों तरफ से अच्छी तरह से तल कर लाइट ब्राउन हो चुके हैं तो इन्हें ऑयल में से निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी के जिमीकंद को भी तल कर तैयार कर लेंगे। और जब तक ये तलता है हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर, 2 हरी मिर्च, मिर्च की मात्रा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर लें, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। इन सारी चीज़ों को पीसकर पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये मैंने इन्हें पीसकर पेस्ट तैयार कर लिया है। इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज को भी इस तरह से बारीक काट कर तैयार कर लिया है। और अब हमारा 2nd बैच का जिमीकंद भी तल कर तैयार हो चुका है तो इसे ऑयल में से निकाल लेते हैं। साइड में ले जाकर एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए निकाल लेंगे। तो अब हमारे सारे सूरन तल कर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम सब्जी बना लेते हैं। कढ़ाई में तेल ज़्यादा है तो थोड़ा तेल निकाल लेते हैं। आप अपने हिसाब से तेल थोड़ा कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हो। वापस गैस की फ्लेम को ऑन करके तेल गरम होने देंगे। और अब तेल गरम हो चुका है, इसमें 1 टेबलस्पून जीरा डाल देते हैं। और जैसे ही जीरा चटकने लग जाए 2 तेज पत्ता डाल देंगे। एक बार अच्छी तरह से भून लेते हैं।
अब इसमें एक पिंच हींग डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो कर लें। सब्जी का कलर बढ़िया लाल निकल कर आए इसके लिए यहीं पर हम इसमें आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर और एक टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डालकर एक बार अच्छी तरह से भून लेंगे। तुरंत ही अब इसमें हम बारीक कटे हुए प्याज डाल देते हैं, भून लेंगे। लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए प्याज के अच्छी तरह से भुनने तक भून लेंगे। और अब मैंने इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट तक भून लिया है और अब हमारा प्याज अच्छी तरह से भून चुका है, तो इसमें हम बाकी के पाउडर मसाले भी इसी स्टेज पर ऐड कर देंगे। आधा टेबलस्पून जीरा पाउडर और एक टेबलस्पून धनिया पाउडर भी डालकर अच्छी तरह से भून लें। मैं यहाँ पर तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर डालना भूल गई थी, तो आप उसे भी इसी स्टेज पर ऐड कर लें। और अब सारे मसालों को मैंने कुछ सेकेंड्स के लिए भून लिया है, तो अब इसमें हमने जो टमाटर वाला पेस्ट बनाया था वो डाल देते हैं। और तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर जो मैं भूल गई थी वो भी मैं आधा टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा ऐड कर लें। इसे हमें लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए मसाले के तेल छोड़ने तक भून लेना है। और अब मसाला अच्छी तरह से भूनकर तेल छोड़ने लग गया है, तो इसमें हम एक टेबलस्पून कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके डाल देंगे। मिक्स करते हुए भून लेते हैं। और अब मसाला अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, तो अब इसमें हम 1/4 कप दही डाल देंगे। दही डालने के बाद मसाले को लगातार चलाते हुए भून लेंगे। दही डालने से सब्जी में अच्छा खट्टा टेस्ट आ जाता है, साथ ही साथ इससे अच्छी सी ग्रेवी भी बन जाती है। और अब मसाला वापस अच्छी तरह से भूनकर तेल छोड़ने लग गया है, तो अब इसमें हम पानी डाल देते हैं, मिक्स कर लेंगे। आपको ग्रेवी जितनी पतली या गाढ़ी चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड कर लें। मैंने यहाँ पर 1 कप पानी ऐड किया है, पर मुझे ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी लग रही है, तो 1/2 कप पानी और डाल देते हैं, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। नमक हमने पहले भी सूरन को उबालते वक्त डाला था, इस बात को ध्यान में रखकर नमक ऐड करें। और अब इसमें हम अपने तले हुए सूरन या जिमीकंद भी डाल देते हैं, एक बार चला लेंगे। ढककर इसे हम 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे, ताकि जिमीकंद के अंदर सारे मसालों का टेस्ट अच्छी तरह से चला जाए। और अब इसे मैंने 5 मिनट तक पका लिया है। आप देख सकते हो इसने तेल छोड़ दिया है। हमारी सब्जी बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है, एक बार चला देते हैं। जिमीकंद को हमने पहले उबाला और फिर तल लिया, जिस वजह से ये बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसे और भी ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब लास्ट में हम इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं, मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एवरेस्ट का गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। ढक कर इसे वापस 1 मिनट तक पका लेते हैं, ताकि गरम मसाले का टेस्ट सारी सब्जी में अच्छी तरह से आ जाए। 1 मिनट हो चुका है, सब्जी तैयार है, एक बार चला देते हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। बारीक कटी हरी धनिया की पत्तियां डाल देंगे और 1/2 नींबू भी निचोड़ देते हैं। इससे सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है और गले में खुजली की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इतनी सब्जी आप घर के 5 से 6 लोगों को आराम से सर्व कर सकते हो। इसे आप रोटी, पराठा, पूरी, नान या चावल के साथ सर्व करें, इसे सर्व कर लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट हमारे जिमीकंद या सूरन की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी इस तरीके से सूरन की सब्जी को बनाकर जरूर ट्राई करें। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक यानी कि थम्सअप के बटन पर क्लिक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।
अब लास्ट में एक बार फिर से इसे बनाने की सामग्री मैं आपको बता देती हूँ। जिमीकंद उबालने के लिए सूरन जिमीकंद या ओल 400 ग्राम, नमक 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर आधा टेबलस्पून, नींबू आधा टुकड़ा। सब्जी बनाने के लिए प्याज 2 मीडियम साइज के, टमाटर 2 मीडियम साइज के, हरी मिर्च 2, अदरक 1 छोटा टुकड़ा, लहसुन की कलियां 10 से 12, दही 1/4 कप, तेल 4 बड़े चम्मच, जीरा 1 टेबलस्पून, तेजपत्ता 2, हींग 1 पिंच, हल्दी पाउडर आधा टेबलस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर आधा टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर आधा टेबलस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, नमक स्वादानुसार, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, बारीक कटी हरी धनिया की पत्तियां 2 से 3 टेबलस्पून, नींबू आधा टुकड़ा। इस रेसिपी को लास्ट तक देखने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ मेरे चैनल कुकिंग विद प्रीति पूजा पर।